हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फिट फॉर इट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई हुई पूंजी है और उस पूरी पूंजी को किसी ऐसे काम में लगा दें जिसे आज तक किसी ने नहीं किया और पता भी नहीं कि सफल होंगे भी या नहीं। मुझे लगता है 1 या 2% लोग ही इस रिस्क को उठाएंगे। ज्यादातर तो उस पैसों को ऐसी जगह रखने या लगाने की कोशिश करेंगे जहां वह ज्यादा बढ़े भी नहीं तो कम से कम कम भी ना हो। लेकिन एलोन मस्क शायद किसी और ही मिट्टी का इंसान है। एलोन मस्क ने जब पेपॉल को छोड़ा था तो उन्हें उनकी हिस्सेदारी का $165 मिलियन मिले थे। उनकी जगह कोई और होता तो इतने पैसों के साथ पूरी जिंदगी ऐशो आराम से काट सकता था, लेकिन इस इंसान ने ऐसा नहीं किया और उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया और अपना सारा पैसा अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया और हालात यहां तक पहुंच गए कि खुद को किराए के मकान में रखना पड़ा। I think starting a rocket company is an unusual thing to do and pretty risky. But I'm a big believer in us becoming a space faring civilization and ultimately extending life beyond Earth. When I was in college, I tried to think, what are the really big problems that face the world, that which will most affect the future of humanity? And the three that I thought were the most important were the internet, transition to a sustainable energy economy, and the third was space exploration, in particular, becoming making life multiplanetary. स्पेस एक्स जो कि उनका सबसे सफल प्रोजेक्ट साबित हुआ, उसमें उन्होंने अपना अधिकतर पैसा लगाया। और किस वजह से लगाया? क्योंकि उनको लगता है कि इंसान को मंगल ग्रह पर बसाया जा सकता है। और जब खुद के पैसों से बनाए हुए रॉकेट्स को लगातार 3 बार स्पेस तक नहीं पहुंचा पाए और कंगाली के कगार पर आ गए, तब भी ये इंसान एक बार फिर खड़ा हुआ और फिर से एक प्रयास करने की ठानी। और वो भी ऐसी स्थिति में जब 3 असफलताओं का प्रेशर और धन की कमी हो। लेकिन उसको कहीं ना कहीं पता था दोस्तों कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। और आगे की उसकी सफलता की कहानी तो आपको पता ही है दोस्तों। एलोन मस्क ही नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे आपको पता चलता है कि लोगों ने कैसी कैसी विकट परिस्थितियों का सामना किया, बड़े बड़े रिस्क लिए और सफलता के झंडे गाड़ दिए। अब चाहे बिल गेट्स हो या अंबानी हो, अमिताभ बच्चन हो या सिल्वेस्टर स्टलोन हो, इन सबकी कहानी एक ही है। इन लोगों ने अपनी लाइफ में बड़े रिस्क लिए और डेडिकेटेडली अपने काम को करते हुए अपने बेस्ट दिया। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में भी इस तरह के वाक्य होते रहते हैं। आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा, काश उस समय हम ये एक जगह खरीद लिए होते, हमारे पास तो पैसे भी थे, लेकिन उस समय यहाँ कोई नहीं रहता था, फिर भी हम नहीं खरीद पाए, कोड़ियों के दाम में हमें जगह मिल रही थी। इसका सीधा सा कारण था कि उन्हें एक सुनसान जगह में पैसा लगाने में फायदा नहीं दिखाई दिया और आगे आने वाले समय के लिए वो विजन क्रिएट नहीं कर पाए और रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कहीं ना कहीं उनको पता था कि यहाँ पैसा लगाना बर्बादी है, उनका पैसा खराब हो जाएगा, उनका पैसा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो इस रिस्क को नहीं लेना चाहते थे। दोस्तों, हमारा मन बड़ा ही अजीब होता है। वह किसी भी परिस्थिति को लेकर अलग अलग तरह के विचार आपके सामने रख देता है। इनमें से कई विचार जोखिम भरे होते हैं। इन विचारों की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। सफल व्यक्ति वही होता है जो इस तरह के विचारों को भी ध्यान में रखता है और जब परिस्थितियां इस प्रकार की आती हैं तो उन्हें उसे अमल में लाता है। यह बात सच है, लेकिन इस जोखिम को उठाने की हिम्मत करना प्रत्येक के बस की बात नहीं है। इस कारण जोखिम उठाने का अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब आप जोखिम उठाने से पीछे हटे हैं और बाद में आपको एहसास होता है कि काश मैं उस समय यह सही निर्णय ले पाता। यह बात अक्सर सभी के साथ होती है। इस कारण सही समय पर सही जोखिम उठाने में कोई बुराई नहीं है और ना ही इससे आपके जॉब और करियर पर इसका असर पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको भी लगता है कि आपके भी सामने ऐसे टारगेट हैं जिसमें रिस्क लेने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में पता है कि ये सही काम है, तो बिना समय गंवाए रिस्क को ले लीजिए, क्योंकि जिंदगी तो सिर्फ एक ही है और इसी जिंदगी में सब काम करने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।